हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज देख सकते हैं, आज है विश्वकर्मा भगवान का पूजा। तो आपके घर में भी किसके किसके घर में पूजा हो रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे हस्बैंड जी अपना स्कूटी धो रहे थे, काफ़ी दिन बाद अपने हाथ से स्कूटी धो रहे थे। और मैं आ गई थी फ्रिज साफ करने, सारा सामान हम बाहर निकल कर रख दिए हैं और फ्रिज को अच्छी तरह से मैं सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद से हम वॉशिंग मशीन को भी सफाई कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर बैठ के सब फोन ओन चला रहे थे हस्बैंड जी, और मैं इधर पोछा लगाने के लिए रख दी थी पानी बाल्टी में, और इधर आ गई थी ये खाना बनाने, और मैं आ गई थी वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए कैसे ये रोटी बनाते हैं, पूरा एकदम मतलब एक भी अधिक नहीं होना चाहिए, गिन कर बनाते हैं। बस अपने लिए चार और मेरे लिए दो रोटी, तो आप लोग समझ गए कि हम कितना रोटी बनाते हैं। फिर यहाँ पर अंकल जी आ गए थे अपना कचरा लेने के लिए, सारा मतलब डब्बा वाला। तो हम लोग जितना रूम में पड़ा था हमारा कैटून, अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन का, तो सारा चीज़ आज हम लोग मतलब हटा ही दिए, बेच दिए। और यहाँ पे अंकल देखे कैसे अपना पैसा दबा रहे हैं, कुदू को दबा रहे थे। और हमारा 50 रुपया मिल गया है इस कचरा का, 50 रुपया बस। लेकिन ये 50 रुपये का नहीं था, काफ़ी दाम का था, 100-150 का था, लेकिन उतना अंकल ने नहीं दिया। हस्बैंड छोड़ दिया, बोले छोड़ो भाई, बुजुर्ग आदमी है। फिर हम गुजली में डाल लेते हैं सारा पैसा, और डालने के बाद से मैं नहावा के आ गई थी। नहाने के बाद से मैं आ गए थे यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत मतलब क्रीम पाउडर लगाने के लिए। तो क्रीम पाउडर नहीं, मैं डेली यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजर। आप लोग क्या यूज करते हैं डेली यूज में, मतलब क्या ही लगाते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए मैं लगा लेती हूँ अच्छी तरह से। लगाने के बाद से मैं थोड़ा बहुत हाथ धोकर मैं लगा लेती हूँ, और मैं जा रही हूँ अभी, चलती हूँ पूजा के लिए। तो यहाँ पे मेरा माथा भी पूरा सोना सोना दिख रहा था, तो मुझे याद है नहीं बिंदी लगाना चाहिए, तो बिंदी मैं लगा रही थी। और अभी तक मुझे बिंदी भी लगाना ठीक से आता नहीं है, देखिए मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। और लगाने के बाद से मैं सोची थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा लेती हूँ, क्यों लिपस्टिक बाकी तब तक लाइट भी कट गया, तो हमारा नसीब भी ख़राब रहता है, जब भी मैं इंपॉर्टेंट काम करती हूँ लाइट कट जाता है। लगाने के बाद से मैं अब चलती हूँ पूजा की तरफ, ठीक है। तो आप लोग भी आ जाइए पूजा करने, और बताइए पूजा कैसे कैसे होता है, मैं देखिए कैसे पूजा करती हूँ। और पूजा करने के लिए मैं बैठ गई थी, लड्डू का डिब्बा ली थी, लड्डू का डिब्बा मैं ओपन करती हूँ, फिर हम पूजा के लिए स्टार्ट करते हैं। पूजा हम अपना कम्प्लीट, यहाँ का पूजा हमारा हो गया है, और फिर हम चलते हैं बाइक का पूजा करने, स्कूटी का। तो मैं स्कूटी का पूजा बाहर ही करने वाली थी आज, हस्बैंड अपना स्कूटी बाहर लगा दिए थे धोकर, बाहर अंदर नहीं लाए थे, तो मैं बाहर ही पूजा कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पहली बार मैं बाहर पूजा कर रही थी स्कूटी का। फिर मैं यहाँ पे लड्डू उड्डू सब चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, विश्वकर्मा भगवान का लड्डू ही चढ़ता है। आपके घर में क्या चढ़ता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और लड्डू चढ़ाने के बाद से हम यहाँ पे अगरबत्ती भी दिखा देते हैं, और आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, क्योंकि जो लोग बाइक चलाते हैं उसको बहुत ज़रूरी होता है आशीर्वाद लेना और पूजा करना। लेकिन मेरे हस्बैंड ही क्या ही बताए, वो पूजा करते नहीं है, हमें बोले तुम ही कर लो, तो मुझे ही करना पड़ गया। तो मैं यहाँ पे अच्छे से बात ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड डेली बाइक चलाते हैं, तो मुझे अच्छे से यहाँ पे। और होने के बाद से मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे अपने रूम में, और पूजा भी फाइनली हमारा पूजा हो गया। तो आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, ले लीजिए एक एक, आप लोग लड्डू उठाइए और खाइए, और बताइए कैसा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।